हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आज पता है अम्मी क्या बनाने वाले हैं? आज अम्मी बनाने वाले हैं खाना बनाने की जो जान रहती है ना, यानी कि अम्मी बताओ क्या? गैस करो। बहुत से लोग मांग रहे थे यार, बहुत लोगों की डिमांड थी। वैसे तो पता चली गया होगा मेरी थंबनेल देख के। चलो मैं अभी बता दो। गरम मसाला गाइस, मेरे घर का। हाँ, यानी कि ये किसी की चोरी की हुई रेसिपी नहीं है, यानी कि किसी से देख के बनवाई नहीं जा रही है। ये वही रेसिपी है जो कि लोग तड़प तड़प के मांग रहे हैं कि अम्मी गरम मसाले की रेसिपी शेयर करो, गरम मसाले की रेसिपी शेयर करो। तो आज वो घड़ी आ चुकी है। अम्मी आज बनाएंगे गरम मसाला अपने अंदाज में। वही एक चम्मच जो कि अम्मी दाल चा बटर चिकन बिरयानी चिकन कोरमा हर एक सालन में, यानी कि हम लोग के घर की जो जान है ना गरम मसाला, आज वो रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना अम्मी? तो हर चीज में आपको गरम मसाला मिलता है। और हाँ, बराबर आज अम्मी ने ना क्वांटिटी था इतना सारा, यानी कि हर चीज इतनी सारी दालचीनी इतनी सारी ये वो था, बट अम्मी ने ना थोड़ा थोड़ा निकाल के दुकान पे गए और वजन करके लाए कि बराबर में क्वांटिटी रहेगी, उतनी क्वांटिटी उन लोगों को बताऊंगी कि इतना ही लेना है। हाँ, लेना है। बहुत बच्चे परेशान हो क्योंकि सही बात है, गरम मसाले की रेसिपी मुझे खुद पता है, बहुत से लोग बनाएंगे अपने घर पे, तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अम्मी ऐसा अंदाजे से बता देंगे तो लोग उतना ही अंदाजा डालेंगे तो आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए अम्मी ने ना पूरा मेजरमेंट करके लाए है अपने बाजू की स्टोर से, यानी कि किराना दुकान से मेजरमेंट करके लाए कि कितना क्या डालना है। तो चलो अभी एक्सप्लेनेशन तो ऐसी बहुत हो गया, अब आपको बताते हैं कि गरम मसाले की रेसिपी अम्मी कैसे बनाएंगे। तो चलो, तो ये देखो, सबसे पहला हरी इलायची, ये है 25 ग्राम, लौंग 25 ग्राम, ये ज़ीरा सफ़ेद वाला ये भी 25 ग्राम, ये दालचीनी 25 ग्राम, शाहजीरा 25 ग्राम, ये चक्री फूल ये भी 25 ग्राम, और ये 7 से 8 तेज़ पत्ते हैं, ठीक है, और ये अखा धनिया 25 ग्राम, और ये 20 ग्राम जावित्री, और बड़ी इलायची 50 ग्राम, काली मिरी 50 ग्राम, एक जायफल, ठीक है। तो चलो अभी हम गरम मसाला पीसने से पहले ना थोड़ा सेक लेंगे, बताती हूँ आप लोगों को कैसा सेकने का। तो मैंने अभी ना एक पैन ले ली हूँ, अभी ये हल्का सा गर्म होने लगा है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करने का, स्लो पे गर्म करने का। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहला हम ये ज़ीरा डाल देते, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए ना हमको, जो लास्ट में भुनने जाएंगे तो जब तक फ्रेश है ना, अच्छा ये पैन है ना, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या क्या डाला वो बताओ। अभी इसमें मैंने डाली हूँ 25 ग्राम ज़ीरा, 25 ग्राम शाहजीरा, ठीक है, इसको हल्का सा भून लेती हूँ मैं। अभी इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें उसमें ये भुने नहीं जाएंगी, ये जल जाएंगी। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा खुशबू छोड़ते साथ निकाल दिया, इसको हमको भूनना नहीं है, जैसा खुशबू आई फटाक से निकाल दिए। अब हम डालेंगे इसमें धनिया, अब धनिया के साथ हम ये काली मिरी भून सकते हैं, ये दोनों एक ही साइज़ की दोनों भुने जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा लौंग, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हम उसको सब लास्ट में भूनेंगे, और इसको पास आंच पे नहीं भूनना। और ये है 20 ग्राम, मैं बताई थी ना आपको, हाँ 25 ग्राम लौंग, 50 ग्राम काली मिरी, सबसे ज्यादा क्या है, काली मिरी और बड़ी इलायची। काली मिरी का तो क्या कहना, उसका तो अलग ही एक है, और छोटी इलायची भी बराबरी में डालने का, क्योंकि छोटी इलायची की खुशबू भी माशाल्लाह रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं गरम मसाले में ना, छोटी इलायची ना बहुत कम कर देते, धनिया भर देते हैं, तो धनिया उसकी तो अपन हर किसी में डालते ना, तो क्यों डालना है इतना, इसमें तो सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा खुशबू आ जाती। चलो हम निकाल लेंगे, ये ज़्यादा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक ही साइज के है ना, ये फूल भी और ये बड़ी इलायची भी, इसलिए हम इसको लास्ट में डालेंगे। अब हम डालेंगे, देखो ये दालचीनी भी ओरिजिनल है, अब यहाँ दुकानों में लेने जाओ तो ये दालचीनी नहीं मिलती है, वो कौन से पतले लकड़े वाले दे देते, इसके लिए मेरे को मेरा मसाला मेरे हिसाब का नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को इतने दिन से बता नहीं रही, क्योंकि मेरी दुकान में सामान नहीं आ रहा था जहाँ से मैं सामान लेती हूँ।
ये मेरे हिसाब का सामान आ गया, बल्कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्यों ये फ्रेश, इसलिए मैं इंतज़ार करती हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ पीसने की चीज़ नहीं है। ये एक बार पीस लो तो महीना भर 15 दिन फुर्सत हो जाती है, तो इसके लिए इसको अच्छे ही ढूंढ के देख के लेना चाहिए, ये बार बार पीसने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको एक मिनट अच्छे से भून लेंगे, ये ज़रा बड़ी बड़ी है इसके लिए इसको सेकेंगे, और ये सेकते इसलिए है कि ये अच्छे से बारीक हो जाती है। तो देखो मैं अभी इसको ना, ये जायफल को मैंने इतने टुकड़े कर ली हूँ, बस हल्का सा ये दिए भाग और ये निकाले बाहर, इसको ज़्यादा भूनना नहीं, इसलिए सबके लास्ट में डाली है। ये हो गए मेरे सारे गरम मसाले मस्त। तो चलो हम अभी गैस बंद कर दिए, अब जितना ये पैन गरम है इसी में ये सीख जाएंगे। ठीक है, हम इसको ऐसा फैला देंगे एक मिनट तक, ये खुद ब खुद सीख जाएगा। हाँ बस, तो अब क्या करते हैं, हम ये पीस लेंगे। अब इसमें क्या चीज़ नहीं है आप लोग बताइए, इसमें बड़ी सोप नहीं है। देखो सोप है ना एक ऐसी चीज़ है, ये हर चीज़ में नहीं डाली जाती है, डाली भी जाती है, बहुत से लोग डालते भी है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे मतलब टेस्ट नहीं पसंद आता उसको हर चीज़ में। जैसा मुझे निहारी में अच्छा लगता है, मुझे जैसा खिचड़े में अच्छा लगता है, तो ये बहुत सोच समझ के बहुत कम डिश में जाती है सोप। अब गरम मसाले में पीस लो तो क्या नॉर्मली हर खाने में आ जाएगा, इसके लिए मैं ये इसमें नहीं पीसती हूँ। ठीक है, आपको पीसना है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग पीस सकते हैं, मैं आप लोगों को मना नहीं करती। मुझे पसंद नहीं आता है हर डिश में सोप, इसके लिए मैं नहीं डालती। ठीक है, चलो अभी इसको पीसते हैं बारीक। तो चलो मैंने पीस लिया अभी गरम मसाला। ठीक है, अब मैं इसको ना ये छन्नी से ना एक बार छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची के जो रेशे आते थे वो बार बार मुँह में, वो नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको हमेशा पीसने के बाद एक बार है ना छन्नी में ऐसा छान लेती हूँ थोड़ा, तो ही मेरे को सुकून मिलता है, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा कभी मुँह में आएगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, धागे जैसे रहते ना। हाँ धागे के जैसे रहते हैं, कभी सब्जी में भी डालती हूँ ना मैं गरम मसाला, क्योंकि देखो मेरी बॉडी को ना गरम मसाले की इतनी आदत हो गई है ना कि हमारे घर में ना गरम मसाला और एक अदरक लहसुन, ये दो चीज़ के बिगड़े ना हम लोग का काम ही नहीं चलता। हमारी बॉडी ही मांगती है हमको अदरक लहसुन और गरम मसाला चाहिए ही चाहिए खाने में। तो ये क्या है, कभी कभी सब्जी में मुँह में आदि या सालन में शिरवा करने का है हमको, तो मुँह में आए तो ये मुझे पसंद नहीं। तो देखो ये देख रहे हैं आप लोग, ये हरी इलायची के ना ये रेशे दिखाओ। हाँ एक मिनट देखो, ये देख रहे ये जो आते ना धागे धागे जैसे, बस ये जो मोटे मोटे है। तो मैं इसको ना एक बार इसको अलग निकाल लूँगी सब छान के, और इसको वापस से एक बार फिर मिक्सर में घुमाऊँगी लास्ट में। तो देखो मैंने छान ली मेरा गरम मसाला, ये हो गई मेरी 2 महीने की फुर्सत, और ये देखो ये निकला है सब हरी इलायची के रेशे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर ये डाल के एक बार फिर घुमा लूँगी मस्त बारीक। वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं वेस्ट कैसा होएगा, इतना महंगा गरम मसाला है। हाँ अब इसको मैं और एक बार पीस लूँगी बारीक। तो चलो हो गया मेरा रेडी गरम मसाला, देख रहे हैं आप लोग मस्त है। अभी इसमें नमक नहीं डाली मैंने, हाँ नमक डाल के नहीं रखूँगी मैं ऐसा ही रखूँगी। और ये मेरा मसाला है ना अभी ये कम से कम मेरे को चलेगा 2-2.5 महीने तो आराम से चलेंगे। हाँ पकाने के ऊपर है, बड़े बड़े टोप चढ़ाऊंगी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो जल्दी भी खलास हो सकता है, लेकिन ये अभी जाएगा आधे नीचे। मेरी बहू बोली है गरम मसाला आधा नीचे आना चाहिए, तो अभी आधा जाएगा नीचे आधा रहेगा ऊपर। ठीक है, और इसको ना आप अच्छे से ऐसे जैसा अभी ये बॉटल हो गया, ये बॉटल के अंदर टाइट अगर आप बंद करके रखोगे ना तो इसकी खुशबू हमेशा ऐसी रहेगी। अभी खुशबू से ना इतनी छींक छींक के रही ना पीसने के टाइम पे, इतनी तेज खुशबू आ रही है। ठीक है, और मैं तो मेरा तो आपको पता है खजाने का डब्बा मेरा इसी में सही रहता है, और इसके अंदर मैं नमक डाल के नहीं पीसी, क्योंकि मुझे ना क्या मालूम मुझे ऐसा डर लगता है कि नमक डाल के इसमें रखने से इसमें कभी पानी छूटे, और इसको पानी से बचा के रखना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्रिज में रखना है या फिर ठंडी जगह रखना है गर्म जगह रखना है, नहीं कहीं भी रखो आप, किचन में रह ना कहीं भी रखो, ये आपका गरम मसाला हमेशा इसी रहेगा, और इसकी खुशबू भी कोई ख़त्म नहीं होती है। इसको खुला थोड़ी छोड़ के रखेंगे हम, खाने पकाने के टाइम डालेंगे ना, बस ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ना, खाना बनाने के टाइम खोल के डालेंगे, आप 2-3 महीना आपकी खुशबू ऐसी ही रहेगी।
जैसी रहती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको रेसिपी शेयर कर दी अपने गरम मसाले की। ठीक है, तो आज वीडियो मैं ही खलास करूंगी। हाँ देखो, अभी आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करी, मालूम आप लोगों के लिए कितना कितना घिरा, आप लोगों को बता, एक मिनट में आई कैमरा चालू रखना। मैंने ना सब पाव पाव किलो कितना सारा सारा लेके आई थी, सब मैंने ये पूरे 1000 रुपए के मसाले लेके आई थी, लेकिन मैं खाली आप लोगों के खातिर ये मसाले साइड में निकाली कि आप लोगों को ये वजन मुझे परफेक्ट बताना था, इसलिए अपने बाजू में किराना शॉप में जाके ये मैंने वजन करा के ये वजन के हिसाब से आप लोगों को बताई कि आप लोगों के मसाले ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये मैं बता नहीं सकती थी आपको ये कितना चम्मच लो कितना चम्मच लो, ये चम्मच में डिवाइड नहीं हो सकता था, इसके लिए परफेक्ट आपको मसाला देना था मुझे, इसलिए मैं वजन करके आप लोगों को बताई। अब आप लोग ये शेयर करना सब जगह मेरा गरम मसाला, और सब अच्छे अच्छे से मेरे को रेसिपी बना के बताना कि किस किस ने मेरा देख के गरम मसाला पीसा है। ठीक है, और सब अपने खानदानों में बताना मेरा गरम मसाला, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो अब वीडियो मैं ही क्लोज करूँगी। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना। और बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, और वीडियो देखना तो कई लोग भूल गए थे तो वो भी याद रखिए, और सब्सक्राइब करिए जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है। अल्लाह हाफिज़।